जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा तक प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आप सभी मित्र इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों बहुत अच्छे से लगाइएगा। दोस्तों मैंने इसके पहले आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडल पेपर, पांच मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं और क्या पांच प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों अंतिम समय में दोस्तों यदि आप ये पांच मॉडल पेपर, पांच प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाते हैं तो आपका एग्जाम दोस्तों बेहतर होगा, अच्छा होगा। दोस्तों यदि आपके पास समय बचता है तो दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों भी सॉल्व कर लीजिए और उसके साथ में दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जरूर लगाते रहिए, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेबस इसके अंतर्गत दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा सिलेबस देख पाएं, तो दोस्तों जिस चैप्टर में, जिस टॉपिक में आपको समस्या है वो आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों क्या प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, ये सबको दोस्तों देखने के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आगे दोस्तों आपसे कहता है चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल कोण ADC बराबर 120 डिग्री हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा कैसे करेंगे, और अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। देखिए एक चित्र दोस्तों आपको बना मिलेगा, इसमें ये दोस्तों मैंने चित्र बना दिया, कह रहा है जिसमें वृत्त का केंद्र ओ है, ध्यान से समझिए, ये दोस्तों एक चित्र बन गया, ठीक है, जिसमें वृत्त का केंद्र ओ कहा है। आगे दोस्तों ठीक है, ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया गया है, फिर इसको इससे मिलाया गया है, फिर इसको इससे मिलाया गया है, और इसको इससे मिलाया गया, बहुत कुछ मिलाया गया है। फिर दोस्तों कह रहा है ABC और D, ये दोस्तों इसके पॉइंट हैं और केंद्र दोस्तों इसका O है, और दोस्तों यह कोण आपका 120 डिग्री दे रखा है। ये दोस्तों इतना चित्र आपको बना मिलेगा, ठीक है, आप ध्यान समझिए, कह रहा है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र है कि नहीं। आगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD, चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसमें वृत्त के चार, वृत्त के जो ये चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इसमें कह रहा है ADC 120 डिग्री है, तो BAC यह वाला कोण पूछा है, ठीक दोस्तों। क्या दिया है, देखेंगे, दिया है कोण क्या
एडीसी बराबर 120 डिग्री। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा, लिखेंगे चूंकि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। दोस्तों जो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, और ये पूरा कोण और ये कोण इतना 180 डिग्री के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां लिख सकते हैं क्या, एंगल देखिए ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण। अब देखिए एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी की वैल्यू दोस्तों 120 डिग्री है, तो यहां पर कितना 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी दोस्तों कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री और माइनस का 120 डिग्री, यानी कोण ए बी सी बराबर दोस्तों कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान समझिएगा, कोण ए बी सी ये दोस्तों 60 डिग्री का आ गया, ये हमें कितना पता चल गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब ये देखिए कितना होगा, देखिए आप जानते क्या, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, जानते कि नहीं जानते, चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसीलिए दोस्तों हो जाएगा, इसीलिए कोण ए सी बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों हमारा कोण कौन सा ए सी बी, ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री का होगा। अब तो दोस्तों निकाल लेंगे, कोण ए निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, कैसे, दो कोण पता, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो देखेंगे, लिखेंगे क्या, त्रिभुज किसमें समकोण त्रिभुज है ना, तो देखिए समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या आप जानते, लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसको लिख लीजिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए चलो मैं लिख देता हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसीलिए दोस्तों क्या एंगल, क्या क्या आपसे पूछा था, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। भाई आपसे यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो कोण बी ए सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछा था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद मैं कहां करूं, यहां पे कर दे रहा हूं, इतनी जगह में हो जाएगा। देखिएगा एंगल बी ए सी तो आपको चाहिए, बी ए सी आपको पता नहीं, प्लस ए सी बी, ए सी बी आपने 90 डिग्री निकाला है, प्लस ए बी सी, ए बी सी दोस्तों आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री होगा बराबर दोस्तों 180 डिग्री के, साल कर लीजिए तो कोण बी ए सी बराबर कितना 90 60 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, यानी कि कोण, अतः कोण बी ए सी बराबर 180 में 50 जाएगा 30 डिग्री। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, चलिए नोट करिए, ठीक है, तो आसान है, कठिन नहीं, बस प्रश्न को समझना अच्छे से, और एक बार दोस्तों यदि आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए तो दोस्तों बहुत आसानी से दोस्तों कर ले जाएंगे। अगला दोस्तों कह रहा है सेकेंड, दूसरा दोस्तों कह रहा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए डी सी 130 डिग्री है, कितना 130 डिग्री हो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दोस्तों फिगर बना रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिगर, ठीक है, ये दोस्तों आपको यहां दे रखा 130 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर है, पहले वाला का तो फिगर मैंने बना के हटा दिया, आप सेकंड का फिगर है दोस्तों। अब दोस्तों ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने अपने हिसाब से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, और ये चैनल पर नए तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।